मेरा शरीर तो तप रहा है सभी, तुम्हें तो तेज बुखार है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने दवाई ली? डॉक्टर को दिखाया तुमने? सभी को तेज बुखार हो गई है रात के बरसात और ईशान और रीवा के एंगेजमेंट के बाद। और जहां हरिनी उसे घर जाने के लिए बोलती है, वहीं अब सभी बिल्कुल अकेली अपने बुक्स उठाकर पढ़ने की कोशिश करती है, पर अचानक से गिरते गिरते बचती है ईशान के हाथों, जो उसका हाल खबर लेने पहुंचा है। और अब ईशान सभी को संभालना चाहता है और उसकी देखभाल करना चाहता है। जहां उसे रीवा के साथ लहंगा पसंद करने जाना था, वहीं अब ईशान सभी के घर पर है और उसे सिर्फ स्टीम नहीं बल्कि गरम गरम चाय भी बनाकर पिलाना चाहता है, चाहे वो YouTube देखकर ही बनाना पड़े उसे, क्योंकि अब उसे सभी की फिक्र है। पर कहीं ना कहीं सभी को ईशान का वहां आना इस तरह समझ नहीं आता कि आखिर अब अचानक ईशान उसकी जिम्मेदारी क्यों उठा रहा है, जब उन दोनों के बीच कुछ रहा ही नहीं। पर सभी क्या जाने ईशान की दिल की हाल। और जहां भंवर पाटिल सभी को फ्रूट्स लाकर देता है, वहीं ईशान सभी के रूम से चले जाता है गुस्से में कि आखिर सभी कैसे किसी को भी अपने पास ऐसे भटकने दे सकती है। पर ईशान का हाथ का चाय तो सभी अकेले में पीती है जरूर, रोते हुए उसे ही याद करके, जो पाटिल ने उसे पीने नहीं दिया था। अब जहां ईशान और सभी दूर होकर भी एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे हैं, क्या कोई इन्हें एक होने देगा या फिर जिंदगी भर एक दूसरे को पाने की चाहत में निकल जाएगी। देखते रहिए कि आखिर आगे ईशान कैसे सभी को अपने करीब रखने की कोशिश करेगा और रख पाएगा या नहीं। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे हो मैं किसी के प्यार में, कि सारे अपडेट्स यहीं पर। मेरे घर पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मेरी परवाह कर रहा है, उससे आपको क्या? ईशान से तो मैं उसकी जरूरत पड़ सकती है, अब क्या करूं?